भाइयों और बहनों, मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं यहां आया था तो शेतकरी समाज से लंबा संवाद किया था। आज जब दोबारा आपके बीच आया हूं तो ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि हाल के बजट में शेतकरी समाज के साथ साथ जो हमारे गुमंतु समाज के लोग हैं, बंजारा वगैरह जो समाज है, हमारे श्रमिक समाज है, हमारे खेत मजदूर है, इन सभी के लिए भी बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से केंद्र सरकार ने किसानों की सीधी आर्थिक मदद करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उन सभी किसानों के बैंक खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये दिल्ली में से भारत सरकार की तरफ से जमा किए जाएंगे। महाराष्ट्र के लगभग 1,25,00,000 किसान परिवारों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। ये पैसा 2,000 रुपयों की 3 किस्त में सीधा आपके खाते में जमा हो जाएगा और एक बार नहीं, ये हर वर्ष दिया जाएगा। साथियों, इस बजट में सरकार ने गुमंतु समुदायों के लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला किया है। यवतमाल जिले में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो अपनी जीवन शैली और अन्य वजहों से एक जगह पर नहीं रहते हैं। इतिहास में पहली बार इस समुदाय का ख्याल सरकार ने किया है। अब इन लोगों के लिए सरकार ने वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला किया है ताकि सरकार के विकास के कार्यों का लाभ इन तक तेजी से पहुंचे। साथियों, सड़कों और घरों के निर्माण से जुड़े, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी ठेले वाले, असंगठित क्षेत्र के ऐसे करोड़ों परिवारों के लिए भी पहली बार एक बहुत बड़ी योजना हमने बनाई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से 15,000 रुपये महीना तक कमाने वाले कामगार साथियों को 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये की नियमित पेंशन सुनिश्चित हो पाएगी। इसके लिए औसतन 100 रुपये का अंशदान हर महीने देना होगा। इतना ही पैसा केंद्र सरकार इन साथियों के पेंशन खाते में हर महीने जमा करने वाली है।